तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले मिचोंग तूफान का असर तमिलनाडु और चेन्नई के आसपास दिखने भी लगा है। सड़कें नदियां बन गई हैं, सड़कों में खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। हालात और मंजर दोनों ही इस वक्त डरावने लग रहे हैं। सावधान, आ रहा है मिचोंग तूफान। चक्रवाती तूफान कैसे दस्तक दे रहा है, ये उसकी तस्वीरें। पूरा मंजर दिल को दहला देने वाला है, डराने वाला है। इसे दूर से एक घर में मौजूद कोई अपने कैमरे में कैद कर रहा है। आसमान को चूमता ये बवंडर चलता चला आ रहा है। इसके इर्द गिर्द जो भी है वो हवा में उड़ता नजर आ रहा है। इसकी रफ्तार का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि महज कुछ ही सेकंड के भीतर ये उस जगह पहुंच जाता है जहां से इसे कैमरे में कैद किया जाता है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो को चक्रवाती मिचोंग तूफान बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक सड़क का सीन दिख रहा है। ये बिल्डिंग के बीच में सड़क पर तेज धार में बहती कारें। वीडियो शुरू होते ही दहशत का गुमान होने लगता है। तो ये मिचोंग का ही तूफानी असर है। अभी ये तूफान जमीन पर नहीं उतरा तब इसका असर इतना खौफनाक है। सड़कों पर बहती ये गाड़ियां सबूत हैं कि ये तूफान कितना ताकतवर और भयानक हो सकता है। हिंदुस्तान का पूर्वी तट पूरी तरह से इस तूफान के ताकतवर कहर को झेलने के लिए तैयार है। या यूं भी कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के पूर्वी तट के हिस्से पर ये तूफान कहर बनकर बरस सकता है। तूफान के असर की वजह से लोगों को बाहर ना निकलने की हिदायतें दी जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। मिचोंग तूफान की आहट ने चेन्नई को बुरी तरह से दहलाया है, क्योंकि साल के जिस महीने यहां का मौसम सुहावना होता है उस वक्त वहां पर आसमान से खौफ बरस रहा है। ऐसा लगता है चेन्नई पूरी तरह से डूब जाएगी, क्योंकि वहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। आ रहा है तूफान मिचोंग। चेन्नई में चक्रवाती तूफान का कहर। तूफान से तेज बरसात, डूबने लगा चेन्नई। चेन्नई के कई इलाके बारिश से सराबोर। चक्रवाती तूफान मिचोंग के असर से चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश हो रही है। लगातार भारी बारिश के कारण शहर के निचले और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवाती तूफान 3 दिसंबर की रात 11:30 बजे पुडुचेरी से करीब 210 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व, चेन्नई से 150 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में केंद्रित। When the whatever morning we have told that warnings, same things, particularly the four districts, Chennai, Chengalpattu, Kanchipuram, these districts, heavy rainfall, scattered heavy rainfall with isolated heavy and one or isolated extremely heavy is possible. इस तूफानी बरसात ने चेन्नई का क्या हाल किया है, उसे बताने के लिए तस्वीर ही काफी है। चेन्नई शहर और आसपास के जिलों में आज भारी बारिश जारी रही।
निचले इलाकों में पानी भर गया। चक्रवाती तूफान मिचौंग के असर के कारण चेन्नई और आसपास के चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिले में रविवार देर रात से भारी बारिश हुई। चेन्नई हवाई अड्डे और कलंदूर सबवे पर भारी जलजमाव देखा गया। तेज हवाओं और भारी बरसात की वजह से चेन्नई हवाई अड्डे की कम से कम 10 उड़ानों को बेंगलोर की ओर मोड़ दिया गया। One or two places very heavy and some places maybe extremely heavy also. We have given red alert. Does not mean entire city or entire state, that districts, all the districts totally everywhere it need not be extremely heavy. करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चेन्नई की तरफ बढ़ रहे इस तूफान को लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। खासतौर पर चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा है कि चेन्नई और पड़ोसी इलाके में मूसलाधार बारिश और सड़क पर भारी बाढ़ के कारण बसें जहां की तहां खड़ी, लिहाजा शहर प्रशासन ने कहा है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज तक ब्यूरो। चेन्नई में इस वक्त हालात क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें खुद ही गवाही दे रही हैं। एक बार फिर से शिल्पा नायर हमारी संवाददाता सीधे चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप शिल्पा, सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं इस चक्रवाती तूफान से, आप उनको क्या पूरी तरह से निकाल के दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है? जी जरूर, और कल से वो प्रोसेस शुरू हो गया था। लो लाइंग एरियाज में जो लोग रह रहे थे, वल्नरेबल एरियाज में, उनको रिलीफ सेंटर शिफ्ट किया गया है। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो हुआ रिलक्टेंट टू गो टू द रिलीफ सेंटर्स, उनको ये रिलीफ सेंटर्स जाने में थोड़ी दे आर नॉट वेरी रेडी, सो इसलिए ऑफिशियल्स का एक वही एक और प्रॉब्लम है। और कोस्टल एरियाज में स्पेशली अगर हम देखें तो फिशरमैन के लिए एडवाइजरी दिया है सी पे फिशिंग के लिए ना जाए, और जो भी लोग कोस्टल एरिया पे रह रहे उनको भी शिफ्ट किया गया है। और अगर हम चेन्नई की बात करें तो ओवर 160 रिलीफ सेंटर्स ओपन कर चुकी है, उनमें से सिर्फ दो और तीन रिलीफ सेंटर्स में अभी लोग हैं। लेकिन एक चीज ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आज चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम और चेंगलपेट डिस्ट्रिक्ट के लिए पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया था। जो प्राइवेट कंपनीज है और जो प्राइवेट ऑफिस है उनको भी ये एक एडवाइजरी दिया था कि वो उनके एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे, क्योंकि आप देख सकते हैं विजुअल से कितना डेंजरस है सिचुएशन, कितना अनसेफ है सिचुएशन, लोगों को बाहर आने का एकदम एक सिचुएशन नहीं है ग्राउंड पे। तो इस वजह से अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि कल भी एक पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया है इन चार डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि अभी भी ठीक है। शिल्पा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हालात क्या हैं, तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं इस मिचौंग तूफान का असर यूं तो पूर्वी तटरेखा पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। यहाँ 24 घंटों से बारिश जारी है और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी है। जाहिर है तमिलनाडु को इस तूफान ने पूरी तरह से किस तरह से परेशान करके रखा हुआ है। आम लोगों को तस्वीरें जो सामने आ रही है वो यकीनन परेशान करने वाली है, मुश्किलें बढ़ाने वाली है। ये मिचौंग का खौफ है। मिचौंग चक्रवाती तूफान ने समूचे तमिलनाडु को तेज बरसात से सराबोर कर दिया है। तमिलनाडु में चक्रवाती मिचौंग को देखते हुए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिचौंग के तेज होने की वजह से तमिलनाडु के 12 जिलों में मध्यम तूफान, बिजली गिरने और बारिश की आशंका जताई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के दूसरे 11 जिलों में भी बारिश की आशंका जताई। One or two places very heavy and some places maybe extremely heavy also. We have given red alert. Does not mean entire city or entire state, that districts, all the districts totally everywhere it need not be extremely heavy. मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि तमिलनाडु के नागापट्टिनम, मयिलादुथुराई, तिरुवरूर, रामनाथपुरम, तिरुप्पुर, डिंडिगुल, तेनकासी, विरुधुनगर, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और कराईकल जैसे जिलों में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।
एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें तेज और हल्की बरसात का असर भी देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में जलभराव, फिसलन भरी सड़कें, यातायात और हल्के फुल्के नुकसान का अनुमान जताया गया है। तटीय इलाकों में समंदर की लहरें सामान्य से बहुत तेज रहेंगी, जबकि चक्रवात के असर से नागपट्टिनम जिले के वेलाकनल्ली बीच पर समुद्र 100 मीटर नीचे चला गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मिचोंग साइक्लोन के टकराने की चेतावनी दी गई है। मछुआरों को समंदर में न उतरने की सलाह दी गई है, जबकि पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थल, बिजली आपूर्ति, दवाइयां और आपात सेवाएं तैयार रखी गई हैं। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी के लिए 11 बचाव दल गठित किए हैं। 10 अतिरिक्त दलों को भी तैनात रखा गया है। तटरक्षक, थल सेना, नौसेना के राहत और बचाव दल जहाजों और विमानों के साथ तैयार रखे गए हैं। आज तक ब्यूरो।